आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय सरवाल अस्पताल में मैं मौजूद हूं और आपको बता दें कि आयुष्मान भव्य 2023 के तहत जो है ब्लड डोनेशन का कैंप जो है आयोजन किया गया है सरवाल हॉस्पिटल में। और आपको बता दें कि यहां पर स्थानीय लोगों के साथ साथ जो हॉस्पिटल का स्टाफ है वो भी बढ़ चढ़ कर ब्लड डोनेट जो है इस समय कर रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ब्लड डोनेशन को लेकर जो है अवेयरनेस लगातार जो है डिपार्टमेंट करवाता रहता है, और उसी को लेकर जो है आज के युवा हम आपको दिखा रहे हैं कि उस अवेयरनेस के चलते किस तरह से बढ़ कर ब्लड जो है अपना डोनेट कर रहे हैं। और समय समय पर अस्पतालों में इस तरह का आयोजन होता रहता है और ये पता लग पाता है कि किस तरह से आज का जो युवा है वो ब्लड डोनेशन को लेकर अवेयर है और किस तरह से बढ़ चढ़कर आज के समय की बात की जाए या पहले के समय की बात की जाए तो कितनी ज़्यादा अवेयरनेस ब्लड डोनेशन की हुई है और क्या कुछ फ़ायदे इसके रहते हैं, इसी सब चर्चा के लिए हमारे से जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर विजय सर। क्या कहना चाहोगे आयुष्मान भव्य के कार्यक्रम के तहत जो ये इनिशिएटिव लिया गया जिसमें ब्लड डोनेशन जो है कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि पहले के समय देखा जाए तो लोग डरते थे लेकिन आज के समय में बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट किया जा रहा है? बिल्कुल, इसमें आप मीडिया लोगों का बहुत सपोर्ट है हमको और लोग भी अवेयर हो गए हैं, लोग समझ रहे हैं कि ब्लड ही एक ऐसी जो कहीं फैक्ट्री में मिलती नहीं है, जो सिर्फ इंसानों से मिलती है और कोई भी हमारे जैसे आजकल डेंगू के पेशेंट्स आए उनके प्लेटलेट्स हमारे कम हो रहे हैं, उनको प्लेटलेट चढ़ाते हैं या जैसे अभी बर्न पेशेंट्स होते हैं उनको सीरम चढ़ाते हैं या किसी का एनीमिक होता है उसको पूरा होल ब्लड चढ़ाते हैं, तो ये सिर्फ इंसानों से मिलता है। और ये जिसमें जो लोगों को अब जैसे जैसे एडवांस हो रहा है लोग अवेयर हो रहे हैं कि यस अगर हम किसी को डोनेट करें तो डोनेट से ही कोई किसी की जान बच सकती है जी। तो इसमें हॉस्पिटल का स्टाफ भी इसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट कर रहा है, क्या कहेंगे और अन्य लोग? ये जो हमारे यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, दे फील गुड, उनको बहुत शौक है, जोश से वो आगे आ रहे हैं और ब्लड डोनेशन कर रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम और आई रियली ब्लेस्ड ऐसे आजकल हमारे नौजवान हैं खुद ही आ रहे हैं कि हम देना चाहते हैं और हम हेल्प करना चाहते हैं सोसाइटी को जी। तो डॉक्टर प्रवीण भी हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। सर क्या कहेंगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड डोनेट करना, क्योंकि ब्लड डोनेट नहीं करना भी मुझे लगता है कि ठीक नहीं रहता है। ब्लड डोनेशन के काफ़ी फ़ायदे हैं जी। जैसे हम लोगों का ब्लड बोन मैरो में बनता है, अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारी जो प्रक्रिया बोन मैरो की वो कंटिन्यूस रहती है जी। तो उससे क्या हो, हमारा ब्लड जो है रिप्लेनिश होता रहता है, नया ब्लड सेल्स बनते हैं, नए पुराने डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ब्लड डोनेशन 3 से लेकर 6 महीने तक आप कर सकते हैं। और दूसरा, कई लोगों को कई बीमारियों का पता चलता है, जैसे हम ब्लड डोनेशन के जरिए हम लोगों को पता चला है पेशेंट को HIV है, हेपेटाइटिस है, ये स्क्रीनिंग भी है किस्म की इन बीमारियों के लिए। इसके अलावा ब्लड डोनेशन से आपने देखो कितने लोगों की जान बचती है, एक ब्लड डोनेशन से 3 जिंदगियां बचती हैं। ये भी रहता है कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी आएगी, वीक हो जाएंगी, तो वो मिथ को क्या किस तरह? हाँ, उस मिथ को मैं ये कहूँगा कि हमारे जो ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं उसमें RBCs और प्लाज्मा होता है, जो सीरम पार्ट होता है फ्लूड पार्ट ऑफ विद इन 72 आवर्स वो कम्प्लीट हो जाता है, लेकिन जो RBCs हैं विद इन 30 डेज मैक्सिमम 90 डेज में कम्प्लीट हो जाते हैं। तो 3 महीने के बाद पूरा का पूरा ब्लड के कंपोनेंट्स पूरे हो जाते हैं और ऐसे कोई कमज़ोरी नहीं पड़ती है। मैं आपको बताऊं कश्मीर में ये बहुत बड़ा रिवाज है, जम्मू में थोड़ा कम है, कश्मीर में अभी तक डेली कम से कम हमसे ज़्यादा कैंप लगे हैं। तो हमारा एक ये डॉक्टर विजय रैना का एक था इनिशिएटिव था कि हम यहाँ भी एक कैंप लगाएं, हम गांधीनगर में भी मंडे को लगाने जा रहे हैं। तो समय समय पर जो है अस्पतालों में कैंप लगाए जा रहे हैं और एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इससे ये भी पता लग पा रहा है कि यूथ किस तरह से बढ़ चढ़ कर जो है वो आगे आ रहा है और ब्लड डोनेशन जो है लगातार बढ़ चढ़ कर वो युवा जो है वो कर रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों में मिथ रहता है कि वो ब्लड डोनेट करेंगे उन्हें कमजोरी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए भी कुछ टिप्स जो है वो डॉक्टर्स द्वारा बताए गए हैं और कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड डोनेट करना, ये भी इन्होंने बताया। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहेंगे बाइट्स, फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स चमो।